मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर बच्चों से भरी पर्यटन टूरिस्ट बस को गोरखनाथ मंदिर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो कि कुशीनगर भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण स्थल तक जाएगी और भगवान बुद्ध के दर्शन करवाएगी, जिससे स्कूल के बच्चे भगवान बुद्ध के बारे में जान सकेंगे। बस के रवाना होने के पहले बच्चे सीएम को अपने बीच पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बच्चों से पूछा कि घूमने के लिए तैयार हैं, तो सभी ने एक स्वर में हाँ कहा और बस कुशीनगर के लिए रवाना हो गई। बस में 50 बच्चे सवार थे। उन्होंने 11 बसों को रवाना किया, जो कि कुशीनगर भ्रमण करवाएगी, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश के पर्यटन निदेशक प्रखर मिश्रा ने बताया कि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 350 छात्र व छात्राओं को रवाना किया गया है, जो कि युवा पर्यटन क्लब के तत्वाधान में किया गया है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, महापौर मंगलेश श्रीवास्तव, MLC धर्मेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश के पर्यटन संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के पर्यटन निदेशक प्रखर मिश्रा ने कहा, आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 350 छात्रों को युवा पर्यटन क्लब के जो सदस्य हैं, युवा पर्यटन क्लब की स्थापना पर्यटन विभाग द्वारा कराई गई है, ताकि युवाओं को पर्यटक गंतव्यों के प्रति जागरूक किया जा सके और पर्यटन में उनकी रुचि उत्पन्न करी जा सके। इसी क्रम में 350 युवा पर्यटन क्लब के सदस्यों को आज कुशीनगर भ्रमण हेतु रवाना किया गया है। इनके साथ ही मीडिया कर्मी एवं व्लॉगर्स भी इस भ्रमण कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, ताकि बौद्ध परिपथ का एक महत्वपूर्ण पर्यटक गंतव्य कुशीनगर का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा सके। प्रखर मिश्रा, निदेशक पर्यटन।